नमस्कार दोस्तों, ये और हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी अधिकतर खड़े होकर खाना खाते हैं तो आज हम आपको खड़े होकर खाना खाने के 5 ऐसे गंभीर नुकसान बता रहे हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। समय के साथ साथ फैशन या वक्त की कमी के चलते व्यक्ति खड़े होकर खाना खाने लगा है। ऐसा हमारे कल्चर में भी शामिल हो गया है। दोस्तों, कल्चर तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपकी आदत बन चुकी है तो इससे आपको होने वाले नुकसान भी पता होने चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि यदि आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो इससे होने वाले कौन कौन से नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। पहला, खड़े होकर खाना सबसे पहले तो आपको कंफर्ट नहीं देता, जिससे आप खाना तो खाते हैं लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि आपने भूख से ज्यादा खाया है या फिर कम खाया है। इसके अलावा बैठकर खाना जितना आनंद और संतुष्टि देता है उतना खड़े होकर नहीं देता। दूसरी चीज, खड़े होकर खाने का दूसरा बड़ा नुकसान यह है, सही पाचन ना होना। जी हाँ, इससे आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता और आपकी पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। तीसरा नुकसान, दोस्तों इससे पाचन तो होता नहीं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपच हो जाता है और साथ ही कब्ज की समस्या भी बनने लगती है। चौथा नुकसान, आपकी एकाग्रता में कमी आती है। यह इसका बहुत बड़ा कारण है, खड़े होकर खाना खाना। जी हाँ, यह आदत आपके फोकस को कमजोर कर एकाग्रता में कमी लाती है और इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगला नुकसान, खड़े होकर खाना आंतों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। रोजाना की ये आदत आंतों के सिकुड़ने का कारण बन सकती है, जिससे सेहत की अन्य समस्याएं भी व्यक्ति को हो जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो आपको ये 5 नुकसान हो सकते हैं जो आज हमने आपको बताए। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल